अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। सिपहसालार ने जो कहा कर दिखाया, आइन और कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं, उसका वाज़ह सबूत सामने आ गया। आईजी सिंह के तहफ़ुज़ात पर आर्मी चीफ के हुक्म पर होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई। आईएसआई और रेंजर्स एहलकारों ने बढ़ती आवामी दबाव में आकर जज्बाती अंदाज में कार्रवाई की। तजुर्बेकार अफसरान उससे बेहतर कार्रवाई कर सकते थे, इससे बेहतर रवैया अपना सकते थे। रिपोर्ट के मुताबिक सिफारिशात पर मुतालिक अफसरान को जिम्मेदारी से हटा दिया गया। जीएचक्यू इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबिने का इजलास खत्म। महंगाई कंट्रोल के लिए हुकूमती इकदामात पर ब्रीफिंग। अपोजिशन रहनुमाओं की रियासत मुखालिफ बयानियां और कोरोना की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। शंघाई तआवुन तंजीम की सरबराह कौंसिल का इजलास। वजीर आज़म इमरान खान की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में शिरकत। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब किया उन्होंने और ये भी कहा कि दुनिया भर को कोरोना वायरस के खतरात लाहक हैं। सरहदी तहफ्फुज़ के लिए शंघाई तआवुन तंजीम के अरकान को मिलकर काम करना होगा। सूबे का ऐलान करके टैक्स पर वार होगा। बिलावल भुट्टो का नगर में जलसे से खिताब। कहा, सूबे बनने से पहले टैक्स निजामी की मजम्मत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को अपनी जमीन का मालिक बना के रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मुआशी इंकलाब आएगा। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पहले तरक्याती मनसूबे में नौकरियां मिलनी चाहिए। आपको सूबा भी नवाज शरीफ बना कर देंगे। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा, इस टूर में कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हॉस्टल बनाने के वादे पूरे करवाऊंगी। मरियम नवाज का दिल गलगत में लग गया। आवाम से पूछ लिया, यहां रह जाऊं तो घर मिलेगा। एहतसाब अदालत लाहौर ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ को इश्तहारी करार दे दिया। आइंदे समाप्त में नवाज शरीफ की मुकम्मल जायदाद की रिपोर्ट तलब। नवाज शरीफ का केस रेफरेंस से अलग कर दिया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस हमजा शहबाज की गुज़िश्ता समाअत पर अदम पेशी का जिम्मेदार खुद हमजा करार। हमजा शहबाज बोले, अदालत को गुमराह किया जा रहा है। एक शख्स ने मुंह पर हाथ रखकर कहा था कि मैं देख लूंगा। जज ने हमजा शहबाज को सियासी बातें करने से रोक दिया। कहा, कानून के मुताबिक देखेंगे कैदी को लाने के क्या रूल हैं। मुल्क भर में कोरोना की खौफनाक लहर। 24 घंटों में 1637 केसेस रिपोर्ट। 23 अफराद जान से गए। एक्टिव केसेस की तादाद 20,045 हो गई। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका फौजी मशकें तरबेला में जारी। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेज ने इंसदादी दहशतगर्दी की मशकें की। DGISPR के मुताबिक स्काई डाइविंग की तैयारियों का मुजाहरा और खेलों की सरगर्मियों में भी मशकों का हिस्सा बना। आजरबाईजान की ताबड़तोड़ बमबारी के बाद आर्मीनियाई वजीर आजम ने घुटने टेक दिए। मुकम्मल जंगबंदी का मुआहदा। रूस ने भी दस्तखत कर दिया। आजरबाईजान की सड़कों पर जश्न। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते वजीर दिफा मार्क एस्पर को बरतरफ कर दिया। क्रिस्टोफर मिलर कायम मकाम वजीर दिफा होंगे। ट्रंप ने ट्विटर पर वजीर दिफा की बरतरफी का ऐलान किया। सवात की हसीन वादी मालम जब्बा में माउंटेन साइकिलिंग रेस का कौमी मेला इस्लामाबाद के दानिश ने जीत लिया। साइकिलिस्ट ने पथरीले और दुशवार रास्तों पर महारत का भरपूर मुकाबला किया। खवातीन का मुकाबला टीम पंजाब की सनम मुश्ताक के नाम पर।